राजा की सेवा में एक नौकरानी थी, सीनियर थी वो और जूनियर नौकरानी नई आई, और दूसरे ही दिन उसने देखा राजा का माहौल। राजा जहाँ गद्दी पे बैठा था, सोया था, वहाँ पालकी आई, राजा पालकी में बैठा, पालकी से बाहर गई पालकी, घोड़े पे बैठा, और घोड़े से बाहर हाथी पे बैठा। पूरे भरूच में राजा ने चक्कर लगाया, फिर राजमहल के पास आया, घोड़े पे बैठा, घोड़े से नीचे उतरा, नजर पे पालकी आई, और पालकी से राजा अंदर गया। और रात को राजा की इर्द गिर्द सब नौकर थे ना, राजा के पैर दबाने लगे। वो जो जूनियर दासी थी ने सीनियर को पूछा, हाथी चढ़ा, घोड़ा चढ़ा और चढ़ा सुखपाल, कब का था क्या ये सखी, अब दबावे पाऊँ, था क्यों क्या रे। था क्या तो अपने काम करी करी सवार थी आना त्रण रूल जो है तो पालकी मधी घोड़ा मन घोड़ा मधी हाथी मां नीचे उतर सीधो अहियाँ उधी पहुंचो। अरे अत्यारे बता पग दबाव जाने था क्यों क्या रे। हाथी चढ़ा, घोड़ा चढ़ा और चढ़ा सुखपाल, कब का था क्या इस सखी, अब दबावे पाऊँ। अने जूनियर दासीए जवाब आप रूटनो जवाब तो भू सोया, भू सोया, भू एटले जमीन, भू सोया भूखा रहा, आ जमीन ऊपर सूतो भूख्यो पण रह्यो, सया शीत और ताप, ठंडी अने गर्मी खूब सहन करी, हाथी चढ़ा, घोड़ा चढ़ा और चढ़ा सुखपाल, कपका था क्या ही सखी, अब दबावे पाऊँ, भू सोया भूखा रहा, सया शीत और ताप, तबका था क्या ही सखी, अब दबावे पाऊँ। आ गया जन्म बधुज सहन करू, ये जन्मनो थाक ये अत्यारे उतारे से क्या था। ये जो सीनियर का जवाब था वो रूट का जवाब था। आज वगर था कि ना पग इतना मटे दबावे से एक जीवन में तप त्याग अने भक्ति खूब करी थी। और पेड़ जब भी कमजोर पड़ जाता है माली रूट की ओर देखता है। बिल्डिंग का रिनोवेशन क्यों होता है, 25 साल 50 साल 100 साल की लाइफ, बस अभी नहीं अभी बदलो, रूट कमजोर हो जाता है। बड़े प्यार से मैं कहना चाहता हूँ, सम्यक दर्शी रूट पर विश्वास है। अध्यात्म के क्षेत्र में सम्यक दर्शन की जो बात है रही रूट की बात है। मेरी विद्वत आपको दिखाई पड़ेगी शायद प्रवचन के माध्यम से, मेरा आचार भी मुझे आपको दिखाई पड़ेगा मैं क्या करता हूँ, मेरा ज्ञान मेरा चारित्र आपको दिखाई पड़ेगा, मेरा सम्यक दर्शन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं ही फील कर पाऊँगा। दिस इज द रूट।